Hello and welcome to all those who are watching this video. This video is presented by Vaishnavi Education. My name is Shobhna Ram and here we will discuss the topics of NET exam paper 1. And today we will study teaching aptitude. That is unit 1 of your exam. And in the continuation of our last video, which was maxims of teaching, we will study the levels of teaching. So in maxims of teaching, we studied that from how In single continuum, हम कैसे हम एक ही continuum के अंदर हम किस तरीके से seen to unseen की तरफ हम students को की तरफ हम जाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं, कैसे हम known से unknown की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम simple से complex की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे हम student के understanding और learning level को समझते हुए अपनी teaching जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे. लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपका सबसे पहला आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, एंड दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. आज हम पढ़ेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग ये मॉडल दिया था हर्बर्ट ने, एंड इट इज़ अ थॉटलेस टीचिंग मेथड. गाइस, सी, टीचिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और ये लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है, ये लर्निंग को बढ़ाता है. आप जितने अच्छे टीचर होंगे या जितना अच्छा आपका टीचर होगा, उतना ही ज़्यादा लर्नर पर इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा लर्नर की अंडरस्टैंडिंग, उसका उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी अपनी कॉग्निटिव लेवल्स बढ़ेंगी, मतलब सोचने की शक्ति बढ़ेगी, सोचने समझने की उसकी इच्छा होगी और वो उतनी ही ज़्यादा तरीके से चीज़ों पर रिएक्ट करेगा. तो जो भी, और ये भी हम जानते हैं कि हमारे स्कूल्स में जो भी कंटेंट होता है, सिलेबस होता है, वो स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है. जैसे हमारी जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, वहाँ पे बस हमें चीज़ों को बताया जाता है, लर्न कराया जाता है. जैसे जैसे जूनियर क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 6th, 7th, 8th, वहाँ पर हमें फॉर्मूलाज भी बताए जाते हैं, फॉर्मूला सिखाए जाते हैं. तो वहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग को जो है कन्विंस किया जाता है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाता है. फिर आगे जाके व्हेन द टोटल मैच्योरिटी इज़ देयर, स्टूडेंट जो है वो अपने टॉपिक को समझ सकता है, वहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो यूज़ किया जाता है. सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है, इट्स कोर थॉटलेस टीचिंग मेथड. अब हम इसके 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. सो नंबर 1 इज फोकस. तो टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो फोकस होता है वो कोर होता है सिर्फ स्टूडेंट की मेंटल, उसको स्टूडेंट को मेंटली डिसिप्लिन करने का, कि वो चीज़ों को मतलब सिर्फ याद करे. सो आवर मेन फोकस इज टू ट्रेन द मेंटल डिसिप्लिन. नंबर 2 इज टू एक्वायर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. जो चीज़ जैसे है सिर्फ वैसे ही याद करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, सन राइजेज इन ईस्ट, सन सेट्स इन वेस्ट. यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे स्टूडेंट को कि वो क्यों होता है, वॉट आर सेलेस्टियल बॉडीज, वॉट इज सन, बट यहाँ पर हम उसे ये बता रहे हैं कि ओके, दैट शाइनिंग ब्राइट येलो थिंग इज सन, एंड ये आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे अगर आप देखते हो तो वहाँ से ईस्ट की तरफ में सनराइज होता है और वेस्ट की तरफ में सन सेट होता है. सो हियर आवर मेन फोकस इज टू एक्वायर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड टू रिटेन the learned material for longer time and to recall and recognize the learned material. Memory level of teaching में जो focus रहता है वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पर रहता है, किसी भी तरह की understanding को simulate नहीं किया जाता है. अगर इसके syntax की बात करें तो the structure of the model is developed with the help of 5 formal steps of Herbert. इन्होंने जो 5 steps दिए थे उसके according ही इसका syntax है. Preparation, presentation, कंपैरिजन एंड एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन. प्रिपरेशन की बात करेंगे, द फंक्शन ऑफ दिस स्टेप इज टू ब्रिंग इनटू कॉन्शियसनेस रिलेवेंट आइडियाज, और जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं उसके बारे में स्टूडेंट को जागरूक करना, एंड टीचर जो है वो प्रेजेंटेशन के थ्रू उसको ये बताता है स्टूडेंट को. प्रेजेंटेशन में जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो टीचर जो है वो ये काम करता है उसके लिए कि सिर्फ एक डेफिनेट वर्क तैयार करता है
और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है उसके पास में, वो सिर्फ उतनी ही चीजें उसको समझाता है, लाइक टेबल्स. सो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, सिर्फ नॉर्मल यही चीजें, कैसे क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या फॉर्मूला रहा है वो नहीं, सिर्फ नॉर्मल टेबल्स याद कराना. तो अर्ली क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को सिर्फ टेबल याद कराई जाती है. सो प्राइमरी क्लासेस में सिर्फ हम बच्चों को एक मेंटल डिसिप्लिन की तौर पे कि बस ये चीज़ें आपको याद करनी है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड. और दे आर वेरी इमेच्योर स्टूडेंट्स, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको समझने की शक्ति इतनी नहीं होती, बट वो याद अपने आसपास की चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर बहुत जल्दी याद कर लेते हैं. सो यहाँ पर हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो प्रेजेंटेशन है उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. आपकी प्रेजेंटेशन में डेफिनेटनेस होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन में प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, और ये ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए. कंपैरिजन में द टीचर अटेम्प्ट्स टू कंपेयर बिटवीन न्यू सिस्टम, न्यू फैक्ट्स एंड न्यू न्यू आइडियाज टू आइडेंटिफाई. तो जो भी पहले के उसकी पढ़ी हुई चीजें हैं उससे सिर्फ, और जो अब वो देख रहा है स्टूडेंट, तो कंपैरिजन किया जाता है पुरानी चीज़ों का, और उसको धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्शन की तरफ में बढ़ाया जाता है. सो थिंग्स आर नॉट क्लियर बट दे लर्न इट वेरी नाइसली. एक जनरलाइजेशन होना चाहिए. जनरलाइजेशन में हम ये कहेंगे कि टीचर का काम है वो सिर्फ उसको सिमिलैरिटीज जो हैं वो बताए, जो भी उसके पुराने जो उसने पढ़ा हुआ है उसमें, और जो नए आइडियाज और नॉलेज है उसमें. द चेंजिंग ऑफ लर्निंग एड्स इन जर्नलाइजेशन, द रिदम एंड द रिसिटेशन मेथड्स आर यूज्ड एज एट दिस स्टेज. बच्चों को सिर्फ याद कराया जाता है, एंड दिस कैन बी लाइक इन अ सॉन्ग, और सभी जानते हैं पोएम्स. स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों को पोएम्स याद होती हैं, लेकिन उन्हें पोएम्स में क्या बोला जा रहा है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है. एप्लीकेशन, सो द टीचर क्रिएट सिचुएशन और प्रॉब्लम सो दैट स्टूडेंट मे यूज मेमोराइज फैक्ट फॉर द फर्दर फैक्ट्स. टेबल्स का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि सिर्फ टेबल्स याद करा के ही स्टूडेंट को मल्टीप्लीकेशन समझाया जाता है. सो दिस इज एप्लीकेशन. सो ये था आपका सिंटेक्स. अब बात करते हैं सोशल सिस्टम की. इस मॉडल में जो टीचर होता है वो एक अथॉरिटेरियन बिहेवियर को प्रेजेंट करता है. लर्नर जो है वो सिर्फ सुनता है, लर्नर का काम है सिर्फ सुनना, और दैट टू पैसिव, कोई रिएक्शन नहीं आता. ये हमने हमारे कम्युनिकेशन मॉडल में देखा था कि जो सबसे पहले लेवल होता है, जो आपका सीधा लीनियर मॉडल होता है कम्युनिकेशन का, उसमें जो सेंडर होता है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, और रिसीवर का काम होता है सिर्फ सुनना. तो यहाँ पर भी और टीचिंग में भी आपका जो अथॉरिटेरियन बिहेवियर है वहाँ पे टीचर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, और जो लर्नर होता है वो सिर्फ उसको सुनता है. तो सोशल सिस्टम इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर कि अगर टीचर जो है वो कुछ गलत भी समझाए तो भी स्टूडेंट्स वो याद कर लेते हैं, समझ सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइमरी लेवल पे, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को फुली ट्रेंड होना चाहिए और एक प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए. मोटिवेशन यहाँ पर एक्सट्रेंसिक होता है स्टूडेंट के अंदर, या तो आप उनको पनिशमेंट का बोल सकते हैं, या फिर आप उनको स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि आप याद करो तो वील गिव यू सम चॉकलेट, वील गिव यू सम टॉफीज, और क्लास में क्लैप करवाना. इस तरीके से ही यही सारे एक्सट्रेंसिक मोटिवेशंस होते हैं यहाँ पे. सपोर्ट सिस्टम, जो भी आपके पास यहाँ पर जो भी आपका टीचिंग है, कंटेंट है, वो अलग अलग एड्स के थ्रू आप समझा सकते हैं. अलग अलग टीचिंग एड्स होते हैं, लाइक आप उनको ब्लैक बोर्ड पे विजुअल्स देखे, ऑडियो और ऑडियो विजुअल एड्स जैसे कि मॉडल्स, चार्ट पेपर्स, मैप, पिक्चर्स, टीवी, इवन रेडियो के थ्रू भी आप उनको बता सकते हैं. सॉन्ग्स जो है वो इजीली याद करते हैं वो सिर्फ ऑडियो सुन के. तो जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन का तरीका होगा उतना ही ज़्यादा जो स्टूडेंट का है वो ध्यान आएगा उसके ऊपर, और उसी तरीके से वो सिर्फ याद करने के नए तरीके उनको पता चल सकते हैं. नथिंग लेस, नथिंग, नो अदर थिंग कैन बी डन. इवैल्यूएशन सिस्टम में रिटन टेस्ट होते हैं, शॉर्ट टाइप होती हैं, और लाइक स्मॉल आंसर्स होते हैं, रिकॉल टाइप, उनको
अब उनसे पोएम याद करवा के पूछते हैं, ओरल टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मैचिंग टाइम, ये सारा सिर्फ आपका जो याद किया हुआ मैटर है उसको रिटेन करता है। दिस इज ऑल अबाउट योर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की कुछ कमियां भी हैं क्योंकि, और कुछ अच्छाइयां भी हैं। डिसएडवांटेज तो इसकी यही है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती है और कुछ भी, और दिस कैन बी हार्ड समटाइम, और टीचर ही इम्पॉर्टेंट होती है। दिस के नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव्स अगर स्टूडेंट और टीचर के अंदर, स्टूडेंट और टीचर में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, दिस कैन बी वेरी हार्ड। यही चीज़ें हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को अपने टीचर से डर लगता है अगर वो पनिशमेंट मेथड यूज़ कर लेते हैं अपने बिहेवियर में। तो सजेशंस यही रहेंगे कि देर शुड बी रिपीटेशन, ड्रिल ऑफ कंटेंट शुड बी रिदमिकल एंड प्रैक्टिस्ड। आप बच्चों को अगर याद करा रहे हैं तो उनको आप बार 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 चीज़ें उन्हें वो बताइए, समझाइए। टेबल्स हैं डेली क्लास में, जो है टेबल्स के लिए एक लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए डेली क्लास में, फॉर एक लेक्चर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आके स्टूडेंट सिर्फ टेबल्स को याद करेंगे पढ़ पढ़ कर। और सेम विद लाइक स्मॉल, और भी चीज़ें होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, पोएम्स होती हैं, उनको सिर्फ स्टूडेंट याद करते हैं। तो ये चीज़ें एक रिपीटेशन ड्रिल की तरह होनी चाहिए। फटीग फैक्टर शुड बी अवॉइडेड। स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो परेशान हो रहे हैं तो भी हम उन्हें ज़बरदस्ती याद करा रहे हैं। धीरे धीरे अगर वो ईजिली समझ रहे हैं तो उनको सॉन्ग्स के थ्रू, उनको बाहर ले जाकर, उनको अलग अलग मेथड्स के थ्रू हमें उन्हें समझाना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये छोटे होते हैं, और इवन इन एनी टाइप ऑफ कंटेंट, होल टू पार्ट, सबसे पहले एक बड़ा, आप सबसे पहले जो पूरी की पूरी इमेज है उसको दिखाएंगे और फिर उस इमेज की बारीकियों को आप उन्हें समझाते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया था मैक्सिम में, होल टू पार्ट में, कि व्हेनेवर वी सी अ ट्री, तो हम सबसे पहले पूरे के पूरे ट्री हमारे हमें दिखता है, फिर हमारा ध्यान जाता है उसकी ब्रांचेस की तरफ, उसकी लीव्स की तरफ, और फिर हमारा उसकी स्टेम की तरफ, एंड देन हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमें समझते हैं कि ओके देयर मस्ट बी सम रूट जिसके थ्रू वो खड़ा हुआ है पेड़। सो यहाँ पर जो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सजेशन रहेगा वो ये रहता है कि इट शुड गो फ्रॉम होल टू पार्ट, और उसमें सीक्वेंस और सिस्टम्स होने चाहिए। एक सिस्टम के थ्रू ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कंटेंट को कवर करने के लिए। सो दिस वॉज अबाउट योर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। गोइंग अहेड वी लर्न अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep sharing and stay ahead.